Look who's there, guys. It's a surprise coming to you. बने रहिए. Hello guys, welcome to the channel. बहुत बहुत दिन बाद vlogging कर रहा हूँ. उसका दो reason. पहला, बहुत बहुत occupied था. पूरा restructuring चल रही थी काम में. उस वजह से I'm extremely sorry guys. आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाया अपने vlogs. बल्कि pending थे. बहुत सारे मेरे पास vlogs थे, but मेरे पास time नहीं मिल पाया. But I'm resuming it again. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं थोड़ा सा अपना जॉनर चेंज कर रहा हूँ. वन इज ट्रैवल एंड सेकंड इज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन. सिंस आई एम अ मार्केटिंग गाय, तो आप लोगों को अब ट्रैवल और उसके साथ साथ मार्केटिंग का भी नॉलेज मैं देता रहूंगा. बने रहिए इस बिग बॉस के घर में. हम कहीं जा रहे हैं. ये बॉम्बे से आई है, ये मेरी बीवी है और हम लोग बस अब निकल रहे हैं. रास्ते में ही बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग. ठीक है, उसके अंदर कैमरे में देखो. कोच बताइए. वॉलेट, परफ्यूम, मेकअप किट, आईडी कार्ड, स्लीपर्स, बाकी ये स्लीपर्स तो मैंने पहन लिया. शूज, इनर वेयर, हां, नाइट ड्रेस, यस, ऑल डन. ओए मेरा तो पूछा ही नहीं. बेबी सबका था. नाइट वेयर आपका, इनर वेयर. ठीक है, आओ चलें भाई. आपको लग रहा होगा कि हम कहीं बहुत दूर जा रहे हैं. दूर तो जा रहे हैं, बट सामान देखिए आप लोग. अभी एक थैला और है, ये देखिए. जहाँ हम सिर्फ दो दिन के ले रहे हैं. एक दिन के लिए जा रहे हैं. और ये सारा सामान है हमारा. ये गूगल मैप्स के सहारे पे ना हम लोग किसी गांव में आ गए हैं. और ये गांव पिछले आधे घंटे से चल रहा है. पता नहीं कहाँ है हम लोग. फाइनली दो घंटे बाद हमने ब्रेक लिया. वी हैव स्टॉप्ड एट मैकडॉनल्ड्स. वी आर टायर्ड, वी आर एक्साइटेड. यस, बताया तो तुमने है नहीं कहाँ जा रहे हम. क्यों बताया? तो बताया तो नहीं, अभी नहीं. क्यों बताएं? क्यों बताएं? अब मेरे को जाके फ्री लग रहा है. सपना तो एक घंटा सोई है, बता तेरे को. हाँ, कुछ भी 3:30 को सोई हूँ. इन लोगों ने बहुत सही कर दिया है मैकडॉनल्ड्स यार. और ये हम लोग की एंट्री हो गई है रामपुर में. और यहाँ पे गांधी जी की समाधि थी और है भी इनफैक्ट. सो रामपुर इज क्वाइट फेमस फॉर इट्स कॉटन एंड शुगर मैन्युफैक्चरिंग. सो आप लोगों को दिखेगा. हम बस बाईपास कर रहे थे यहाँ से. दिस इज द सेकेंड ब्रेक. गाड़ी में कुछ हो रहे हैं 7:15 और एक घंटे का सफर और रह गया है. तो इन्होंने बोला भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मैंने ये सेकेंड स्ट्रेच 3.5 घंटे का कर दिया है. तो अभी हम कहीं रुके हैं सिर्फ जगह देख के कि अंदर क्या होने वाला है. आपको दिखा, ये जगह है कोई जंगल फिएस्टा. तो ये अभी हम लोग हल्द्वानी के पास है कहीं. आप लोग को पता तो चल ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं. नैनीताल. लेट्स गो. हम लोगों को ये जगह बहुत फैसिनेट करती हैं प्रिया. बड़ा अच्छा बनाया हुआ देखो, बटरफ्लाइज बढ़िया. वेदर भी थोड़ा थोड़ा सा ठंडा है. चाय तो भी नहीं बनती है ना यार. चीयर्स इन जंगल कैफे, इन जंगल फिएस्टा. चाय बताओ कैसी है. नाइस, अच्छी है भाई. ये लोग अब कुछ भी आ रहा है ना इस ट्रिप पे, हर चीज को कैप्चर करने में लगे हुए हैं. देखो आप लोगों को समझ आ रहा होगा. वेरी नाइस. चीयर्स. एंड हमारा ये दो दिन का रिजॉर्ट. हम लोगों की चढ़ाई शुरू हो चुकी है. बड़ी मुश्किलों से ये जगह मिली है. सिर्फ हम और ये होटल वाले ही हैं. अपना मजा आ रहा है. तू तो सोते हुए आई है. दिस इज लॉज, बट गूगल पे भाई इसका नाम रिट्रीट है. सो देखते हैं जगह कैसी है. माउंटेन क्वेल रिट्रीट या लॉज, आप कुछ भी देख सकते हैं गूगल पे.
फ्लाइट बेसिकली तीन लोगों के लिए। अब तीसरा आदमी कहाँ रहेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा यहाँ है। फ्रॉम हेयर From here to there, from there to here, and that's your compartment, railway berth. Very excited. ये जो रेलवे का बर्थ मिला ना तेरे को, बढ़िया मिला है। आपको ऊपर का भी थोड़ा माहौल दिखाते हैं। किसका है वो भी बता देना। वो बता दिया है, अब दिखाने तो दे ऊपर क्या है। कोई ऑलरेडी सो रहा है, बट मस्त है। प्रिया अपन दोनों ऊपर हैं। ऊपर बड़ा है छोटा है? अरे एक नंबर है प्रिया, हम ऊपर हैं। बहुत सही है गाइस, ऊपर का ये हिसाब है। इट्स फाइन, इट्स फैब। ताना कैसा लग रहा है? झाप के चप्पल निकाल देना, फिर उस पे जाता हूं उसमें। ओह माय गॉड दीदी, एक बार जाओ तो सही, बहुत अच्छा है। गो ठीक है, इधर निकल। दोनों का वेट संभाल सकता है ना ये। वेलकम टू द विला। द विला ऐसे ही यहाँ पे सारे हैं, पता है तुम्हें? सारे इन्होंने ऐसे ही बनाए हुए हैं। देर आर राइटिंग 2025 दीज ट्री हाउसेस। जो कि सिर्फ सिर्फ दाल तड़का ही है। अगर शेफ नहीं बना रहा है तो हम लाए हैं साथ में। नहीं, इनको ले जाओ ना। खाना खा के रात को सो गए थे, उठे थे फिर मैं उठा हूँ। और ये ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, और ये जगह है, और बहुत नींद आ रही है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत क्रेजी है। पहले यहाँ पे एक ये दो खिड़कियां लगाई है इन्होंने, ये क्यों उठ जाती है? बहुत रोशनी आती है भाई, बहुत रोशनी। और ये आदमी बहुत ही सो रहा है यहाँ पे, सिर्फ सोने को है। 7 बजे उठ गया था मैं, उसके बाद मेरे को बहुत अनईजी रहा रात को, मैं ढंग से नहीं सोया। अब सोया हूँ इस लकड़ी पे। तो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये जगह कैसी है और सारी डिटेल्स देता हूँ। सो ऐसे यहाँ पे ना कॉटेजेस बने हुए हैं। सो एक और दो, ये वाले जो तीन कॉटेजेस हैं, इसमें तीन लोगों के लिए क्रेजी जैसे मैंने आपको दिखाया वैसा बना हुआ है। और ये नैनीताल से थोड़ा ऊपर है, पनगूट करके जगह का नाम है। सो कुआई भी वो मेक माई ट्रिप, और इनको डायरेक्ट कॉल करके भी आप बुक कर सकते हो। और यहाँ पे इनके फिर अंदर जाके होटल है। सो बेसिकली इट्स अ कॉटेज प्रॉपर्टी। यहाँ से हम लोग आए थे, आपने कल देखा। बारे में थोड़ा और बताता हूँ कि ये टूटने वाला था। इस जगह के बारे में थोड़ा सा आपको और अभी मैं बताऊंगा, बने रहिए। एंड ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आपको। ये देखिए कच्चे रास्ते जंगल की तरफ कहीं तो जा रहे हैं। ये दूसरे और कमरों में जा रही भाई, कोई है नहीं वहां पे। ये देखो दूसरों की जगह जगह जाके रजाइयां ले रही है। अच्छा ठंड है भाई, अप्रैल का महीना है और फिर भी ठंड है। और ये देखो चोरी के चरका चकारी में भी लग गए। मार्च है सॉरी मैं नींद में उठा हूं ना अभी। हमारे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं। ये देखो ये किसी और का है, ये इस कमरे का है, और ये ऊपर लेके जा रही है। वो मेरा है, वो इसका है, मेरा। महाराज का बेस्ट ब्रेकफास्ट, पराठे, पराठों के साथ खाने वाली चीजें, ब्रेड एंड और पराठे, ऑमलेट, वेरी गुड, एंड चाय। चाय भाई एक नंबर है। यहाँ पे रात को एक पहाड़ी चिकन खाया, बहुत सही था, बहुत सही। आओगे तो जरूर खाना भाई। और ये हमने बाहर ही सेट कर लिया। दो ना, थैंक यू, लेट्स बिगिन। थोड़ा उधर करो इसको। मुझे पूरा मूवी की तरह अक्षय कुमार का सीन नहीं था, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो इसका, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। श्योर आप लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी का रेट क्या है।
तो आपको bookings.com, Make My Trip इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप बुक कर सकते हो. सो जो ये तीन कॉटेज मैंने आपको दिखाए थे, इन तीनों कॉटेज में तीन लोगों की ऑक्यूपेंसी है, दो नीचे एक ऊपर. तो इसका पर डे का आपको 5,500-6,000 में वेरी करेगा फॉर वन डे. एंड हम लोग दो दिन के लिए हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नैनीताल मेन से 17 किलोमीटर आगे है ये पनगूट जो मैंने आपको बताया था. एंड नाइस प्रॉपर्टी. थोड़ा कनेक्शन का इशू है क्योंकि आप थोड़ा हिल्स पे आ चुके हो और ऊपर, और बट वेरी कंफर्टेबल स्टे. सर्दी है, इन्होंने सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करे हुए हैं, गर्म पानी से लेकर यू नो हीटर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, सब कुछ है. सो मस्ट 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 विजिट. मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इस जगह के नाम के बारे में, डिस्टेंस, लोकेशन, सब कुछ तो आप लोग देख सकते हैं. एंड अब हम लोग जा रहे हैं नैनीताल वापस, फिर रात को वापस आएंगे यहीं पे. तो वहाँ पे मज़े कराते हैं आपको, बने रहिए. अगर सिर्फ देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना नीचे. रास्ता था जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ पे. गाड़ी लगा दी है, वो सब पैदल चल रहे हैं. एंड हमारे तीन पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, एक रोपवे और नैना देवी, और यहाँ पे जो बोटिंग होता है वो दो तीन चीज़ें हैं, और माल रोड घूमेंगे. एंड मैं बता नहीं सकता आप लोगों को भाई क्या मौसम चल रहा है, अल्टीमेट. और चलते चलते ये माल रोड के पास हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है. बहुत अच्छा सा इन्होंने एक प्ले एरिया बनाया हुआ है, प्ले ग्राउंड बोल सकते हैं, और लाइव कमेंट्री भी होती है यहाँ पे. नैनीताल अब नहीं आए, आपको रोप वे के लिए यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी. एंड हम भी वही करने जा रहे हैं. Are you guys excited? मेरे को भी. इसको ये तो काम लग रही है, तुम्हें डर लग रहा है? देखो गाइस ये क्या देख रहे हैं. वो देखो वहाँ होगी बोटिंग, ये राइट में देखो बोटिंग, वहाँ करेंगे बोटिंग. अरे अभी 2 सेकंड में पहुंच जाएंगे. ये वो ड्रैगन वाला कहाँ है? आ जाओ गाइस, फटाफट आ जाओ, पे ले लेते हो. तो टिकट है यहाँ पे, डायनासोर का कोई शो है. ओए डोंट लुक एट मी लाइक दैट. सो हम वहीं जा रहे हैं. ये इधर आओ ना, इधर से उधर, इधर आ जाइए. रोपवे के इस पार काफी कुछ सारी एक्टिविटीज हैं. गो कार्टिंग थी, वो आपने अभी पहले देखा. नहीं क्या बकचोदियां कर रहा है.
सपना वो कार्टिंग और थोड़ा बहुत कुछ खा पी के हम लोग का टाइम हो गया था, एक घंटे का टाइम मिलता है। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक जहाँ से हम लोग ने रोप वे ली थी। तो प्रिया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द रोप वे एंड सपना? अच्छा अच्छा, सबने देखा भाई, कितना डर लगा तुम्हें? प्रिया, सपना, तुम दोनों में से तैरना किसको आता है? ये बचाएगी तो बिल्कुल नहीं, खुद को बचाने आएगा। ठीक है सपना, ध्यान रखियो। और ये हम पहुंच गए जहां से बोटिंग शुरू होती है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत रीजनेबल है, ऐसा कुछ वो नहीं है। 50 रुपए की एक टिकट है एंड एक बोट पे 3 से 4 लोग आराम से जा सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट, माँ नैना देवी का मंदिर। यहाँ की एक हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता होगी, कि विष्णु भगवान ने सती माता का 51 टुकड़े किए थे जिसमें से उनकी आँख आके यहाँ पे गिरी थी, तो इसलिए इस जगह की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये हमारा नैनीताल पूरा खत्म हुआ, अब हम वापस जा रहे हैं अपने कॉटेज में। 2000 years later. Finally leaving and this was it from the vlog. Hope aap logo ko bahut informative mila hoga and maza aaya hoga. I recommend you guys to come and enjoy and stay. Kabhi bhi aap aao. Ab kya ho gaya, basically main conclude karunga ye keh ke ki hill stations famous hain but aise hidden jagahein dhoondo aap log. So jisme se ek ye thi. Thank you guys, thanks for watching. Bye bye. And these guys helped us a lot.
दो प्रिया मुझे दे दो। पहले आप ये बताओ कि जगह कैसी थी? अच्छी थी जगह। दो जगह कैसी थी? मज़ा आया। मैं यही बोल रहा था कि लोग नैनीताल वगैरह जाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसी हिडन जगह ढूंढो। हाँ, है ना। चलो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगली व्लॉग में जल्दी से। बाय। यहाँ के नींबू भी खतरनाक है भाई, आम जैसे टेस्टी होते हैं बहुत ही। ये नींबू है गाइज। वाओ। चार दे दो, अच्छे अच्छे देना, दाग वाले नहीं। इस नींबू के साथ हम लोग शिकंजी पी रहे हैं। ये चटनी वाला भुट्टा, गाइस ये है चटनी वाला भुट्टा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा, ये हमारी शॉपिंग भी चल रही है। ये मोदी नगर के पास है। 1100 का पेड़।